नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ, ट्रू स्पेशल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार से इंटरमीडिएट यानी 11th में किस प्रकार से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आज की वीडियो में जानेंगे। अगर आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करके ऑन कर ले ताकि आगे से आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो हेलो व्यूअर्स, एडिंग हियर एंड यू आर वाचिंग इंटरेस्टिंग चैनल कॉल्ड ट्रू स्पेशल। सो गाइस, सबसे पहले आप गूगल क्रोम खोल के इसे टाइप करेंगे OFWS बिहार .com सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो पहला ऑप्शन आएगा उसको क्लिक करना है। यहाँ पे दे दिया इंटर कॉलेज एवं स्कूल नामांकन के लिए फॉर्म भरने के लिए क्लिक कर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे इसकी टर्म एंड कंडीशन है, इसको पढ़ ले। पढ़ने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक कर देने के लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है बिहार परीक्षा बोर्ड का नाम, आप किस बोर्ड से पास किए हैं, आपने किस साल परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। तो यहाँ पर उत्तीर्ण कर आपने कौन सी परीक्षा पास की, यहाँ पर टाइप करना है कौन सी परीक्षा, एनुअल या कंपार्टमेंटल आपको टाइप करना है। जिस परीक्षा में पास हुए हैं उसको टाइप करना है। हमें डेट ऑफ बर्थ डालना है और रोल नंबर डालना है। आवेदक का नाम डालना है और आवेदक पिता का नाम डालना है और फोर्थ में आवेदक का माता का नाम डालना है। यहाँ पर रोल नंबर रोल को डालने के बाद यहाँ पर खुद फॉर्म यहाँ पर फिर फॉर्म फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे टिक कर देना है कि आपने 10वीं परीक्षा पूरक पास की है, तो हाँ क्लिक कर देना है। यानी आप किस विद्यालय से पास किए उस विद्यालय का नाम लिखना है, विद्यालय का लोकेशन लिखना है, यानी जिले में आपका विद्यालय है जिले का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आपका स्कूल है, साल उसमें विद्यालय नामांकन लिया था, आप किस साल उस विद्यालय नामांकन लिया था और किस साल आप छोड़े थे उसको लिखना है। यानी जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल या अदर सेलेक्ट करना है, जो भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। अपनी मातृभाषा सेलेक्ट करना है, आप किस नेशनलिटी के, आपकी नागरिकता क्या है, रिलीजन आप किस धर्म के हैं, अपना ब्लड ग्रुप देना है। इसमें स्टेट लिखना है 8 नंबर में, 9 में बी में लिखना है डिस्ट्रिक्ट आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, प्रखंड लिखना है और पिन कोड लिखना है। ये लिखना भी ज़रूरी नहीं, टेलीफोन नंबर, अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना ज़रूरी है। एड्रेस लिखना है अपना पूरा पता। 9th में जनरल आप किस कास्ट के हैं, किस रिजर्वेशन के हैं तो सेलेक्ट करना है। करने के बाद यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो जाएगा, तो अमाउंट पे क्लिक कर देना। अमाउंट पर क्लिक करने के बाद अपना फॉर्म पूरा आपके मोबाइल पे, जिस मोबाइल पे दिए होंगे इस मोबाइल में, उस पर यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा और ईमेल आईडी पर भी आ जाएगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद वहाँ उसका प्रिंट आउट निकाले ताकि आगे दिक्कत ना हो। आशा करता हूँ दोस्त ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें ताकि आपके भी दोस्त पता कर सके किस प्रकार से इंटरमीडिएट में अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें वीडियो को। थैंक्स।